इलाफ मीडिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। जमात इस्लामी हिंद और ईसाइयों की तरफ से गुलबर्गा हिदायत सेंटर में एक वन डे करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट को एजुकेशन, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ, सिविल सर्विसेज और जर्नलिज्म के बारे में मोटिवेट करना और जागरूकता पैदा करना था। इस प्रोग्राम में अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट ने अपना नज़रिया पेश किया। जर्नलिज्म एक्सपर्ट प्रोफेसर एहतशाम अहमद ख़ान ने कहा कि लोगों का रुझान अब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ज़्यादा है क्योंकि इन्हें इसमें अपडेट न्यूज़ तुरंत मिल जाती है। मेरा मानना है कि 21st सेंचुरी में मीडिया का जो दौर है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया चैनल्स, रेडियो स्टेशंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ रहे हैं, वो शायद अभी उनका पूरा एक्सपेंशन नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अपने मसाइल हैं कि जिस तरीके से मार्केट रेवेन्यू आना था इन चैनल्स को, वो नहीं आ पा रहा है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ भी हैं बहुत ही वो लिबरल होके वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कि मीडिया का एक्सपेंशन हो, तो मुझे लगता है कि 2030 तक मीडिया का एक्सपेंशन जो है बहुत अच्छा होगा और इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और ख़ासकर मोबाइल जर्नलिज़म इसमें आगे से तरक्की करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जो आबादी है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है और सभी के हाथ में आप देखिएगा मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होगा, तो उस वक्त कोई शायद टीवी और न्यूज़पेपर की उतनी अहमियत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में रहेगा कि एट द मोमेंट क्या हो रहा है ऑन द स्पॉट और लाइव आप हर चीज़ें देख सकेंगे। तो आने वाले दिनों में मोबाइल जर्नलिज्म में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो चाहे रीजनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, सभी को इस प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और साथ ही साथ आज जो ये प्रोग्राम जमात इस्लामी ने ऑर्गेनाइज़ किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे उर्दू बैकग्राउंड के लोगों का आना ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू मीडिया है लेकिन उसमें जो बेस्ट माइंड है वो शायद नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए उर्दू मीडिया को अगर बेहतर बनाना है तो जो आने वाली पीढ़ी है वो इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे और इसको अपना करियर बनाए, तभी जो समाज में एक हम देखते हैं कि हमारी जो एक निगेटिव इमेज है वो हम उसको तोड़ सकते हैं। हम सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें और इस फील्ड को अगर हम नहीं लेते हैं चैलेंज के तौर पे कि इसको भी हमें इस फील्ड में जाना है, तो शायद वो ठीक नहीं।